वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आज मैं पहुंच गया हूं द लेक सिटी ऑफ इंडिया जो कि है उदयपुर और यहां मैं 2 दिन के लिए हूं। तो 2 दिन में देखते हैं हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और मज़ा आने वाला है। तो मैंने अपना ट्रिप स्टार्ट किया है सिटी पैलेस से क्योंकि सिटी पैलेस उदयपुर की बहुत ही फेमस एक साइट है जहां जाना समझ लीजिए कंपलसरी है। अगर आप उदयपुर में हैं तो सिटी पैलेस देखना कंपलसरी है क्योंकि ये इतना सुंदर, इतना बड़ा और यहाँ पे इतना कुछ देखने के लिए है कि आपको बस मैं इस वीडियो में ग्लिम्स भर दे सकता हूँ क्योंकि इतना बड़ा है। पूरा अगर मैं डिटेल में आपको समझाने लगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखा सकूँ और अच्छी से अच्छी चीज़ें बता सकूँ इस पैलेस के बारे में। तो इस पैलेस में एंट्री करने के लिए पहले तो आपको विजिटर टिकट लेनी पड़ती है जिसका प्राइस है 300 रुपीज़। अगर आप गाड़ी भी अंदर पार्क करते हैं, अगर आप गाड़ी लेके जाते हैं तो उसका चार्ज भी 300 रुपीज़ है। अदरवाइज़ आप पैलेस के नीचे ही एक लोकल मार्केट में लोकल पार्किंग है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड तो वहाँ पर ही पार्क कर सकते हैं, उसका चार्ज सिर्फ 50 रुपीज़ है। तो मैंने सिटी पैलेस के अंदर करी थी क्योंकि मुझे उस टाइम पर पता नहीं था, मुझे शाम को पता चला तो मैंने शाम को अपनी गाड़ी शिफ्ट करनी पड़ी थी मुझे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने एंट्री कर ली है सिटी पैलेस के अंदर और ये अक्टूबर का मंथ है और कोविड से थोड़ा सा उभरे ही हैं और भीड़ इतनी हो चुकी है फिलहाल, इतना मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था एक्चुअली। तो हमने अब महल के अंदर एंट्री कर ली है और ये महल का एंट्री पॉइंट है जहाँ राइट साइड में आपको म्यूज़ियम का रास्ता मिलता है। और मैंने जहाँ से अपना स्टार्ट किया है महल का टूर, ये वैसे टेक्निकली तो लास्ट पार्ट है महल का, अगर आप गाइड लेते हैं और गाइड के थ्रू जाते हैं सबसे लास्ट में आपको यहाँ ले कर आता है, पर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है अपना टूर। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मंडप है जहाँ राजा और रानियाँ की सबकी शादी हुआ करती थी। आज भी उदयपुर में अगर किसी राज परिवार के सदस्य की शादी होती है किसी राजकुमार या राजकुमारी की तो इसी मंडप का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं ये सब चांदी की मिलेंगी आपको। ये मंदिर से लेके पालकी से लेके घोड़ा बग्गी से लेके सब कुछ चांदी का है। उदयपुर का सिटी पैलेस इज सेकंड लार्जेस्ट पैलेस इन इंडिया और इसको बनाने में 400 साल लगे थे और ये सच में बहुत बड़ा पैलेस है। और अभी टूरिस्ट के लिए तो मतलब इन जनरल भी टूरिस्ट के लिए सिर्फ 1/4 ही खुला हुआ है और बाकी इस पैलेस में 2 5-स्टार होटल्स भी हैं और एक अलग से सेपरेट जगह भी है जहां पे राज परिवार आज भी रहता है। और सबसे बड़ा पैलेस जो है इंडिया में वो है मैसूर पैलेस जो कि मैसूर में है
जो बेंगलोर में पड़ता है, तो उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट इज उदयपुर का सिटी पैलेस। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जब राजा या कोई रानी की शादी होती थी तो यहाँ पे उनका फंक्शन हुआ करता था शादी का। और ये वही जगह है जहाँ पे आकाश अंबानी का संगीत सेरेमनी हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ, जहाँ पे सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। जितने भी राजा महाराजा आज तक इस महल में हुए हैं, उनकी सारी चीज़ें, उनके जैसे कमरा, उनके युद्ध पे जाते थे तो उनके सारा सामान, और वो कैसे रहते थे और क्या-क्या कैसे कैसे करते थे, तो सब कुछ इस म्यूजियम में आपको पता चलेगा। और इस रूम में जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी ये तीर और ऊपर जो भाला लगा हुआ है वो सब, और जितने भी औजार और ये मुकुट और ये युद्ध वाली ढाल वगैरह जो है, सब महाराणा प्रताप के ओरिजिनल है, जो वो अपने युद्ध में यूज़ किया करते थे। ये जो पीछे आप विंडो से लेक देख रहे हैं, ये फतेह सागर लेक है, और इसके बीचों बीच में जो बना हुआ है वो ताज लेक पैलेस है। तो अब हम पहुंच गए हैं महल के फोर्थ फ्लोर पे, जहां पे राजा का गार्डन था, और यहाँ पे ही राजा का स्विमिंग पूल भी है जहाँ पे वो नहाया करते थे। और इसकी खास बात ये है, यहाँ के फोर्थ फ्लोर पे इतने बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं
कि इनके आर्किटेक्ट ने ऐसे बनाया है ताकि पेड़ की जड़ें कहीं दीवारों में या कहीं और महल के कमरों में ना चली जाएं। तो इसके नीचे जो है बिल्कुल एक डोम है जहाँ पे पूरी मिट्टी भरी हुई है और ये पिलर की शेप में लगता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो है पूरे महल का पिक्चर है कि कितना बड़ा और शिप की शेप में बना हुआ है। इस जगह से आपको पूरे उदयपुर का व्यू मिलता है और नीचे जो ये गार्डन एरिया आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम, जहाँ पे आम पब्लिक आया करती थी और यहाँ पे राजा देखा करते थे। और ये वो जगह है जहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी और यहाँ पे कलर्ड ग्लास इसलिए ताकि कोई बाहर का इंसान अंदर ना देख सके और रानी आराम से बाहर देख सके जो भी दीवाने आम में हो रहा है। और ये जो जगह है ये झूला लगा हुआ है, यहाँ पे राजा वेट किया करते थे रानियों का जब वो तैयार होके आया करती थी। और ये है राजा का डाइनिंग रूम जो पूरा कांच का बना हुआ है और यहीं बैठ के राजा अपना खाना खाया करते थे। ये है उनके पूरे किचन का सामान जो उस ज़माने में वो यूज़ किया करते थे, जो आज भी उसी तरह वहाँ पे रखा हुआ है। ये है राजा का गेस्ट रूम जहाँ भी जो भी मेहमान आया करते थे, जो भी गेस्ट आया करते थे वो राजा के लिए यहीं पर वेट किया करते थे। अब हम आ गए हैं महल के बाहर ही, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो यहाँ बैठ के आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। और शाम के वक्त मैं अपनी गाड़ी पैलेस से निकाल के नीचे गवर्नमेंट पार्किंग में लगा के आया हूँ, क्योंकि शाम को 6 बजे यहाँ से पार्किंग आपको हटानी पड़ती है, अपनी गाड़ी यहाँ से हटानी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पर लाइट शो होता है, उसके पहले आपको सब गाड़ियां हटानी पड़ती हैं। तो लाइट शो के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है 250 रुपये की, और आपको अगर बोटिंग करनी है तो उसके लिए अलग से टिकट्स हैं 300, 500 और 800 रुपये की, इस टाइप की। तो आपको शाम को करने में ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, अगर आप दिन में लेते हैं तो आपको सस्ती पड़ती हैं, बिकॉज शाम का व्यू आप जैसे देख सकते हैं वो अलग ही व्यू होता है, अलग ही मौसम होता है और लेक में उसका अलग ही फीलिंग आता है। हमें बोटिंग करने का चांस नहीं मिला क्योंकि ये ओवर बुक था, तो हमने खाली लेक साइड पर बैठ के जितना मज़ा ले सकते थे हमने उतना मज़ा लिया। तो अब हम पैलेस में फिर से आ गए हैं शाम को, बिकॉज हमने लाइट शो का भी टिकट लिया है, तो मैं आपको लाइट शो दिखाता हूँ। ये प्रॉपर बहुत ज़्यादा लाइट वाला शो तो नहीं है, बट इसमें बेसिकली मेवाड़ की हिस्ट्री बताते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह दिखाते हैं मेवाड़ की हिस्ट्री और कैसे बताते हैं, और पूरा नाइट व्यू आपको दिखेगा यहाँ से पूरे उदयपुर का। एवं स्वागत,
यश की धरोहर ध्वनि एवं प्रकाश परिदृश्य के माध्यम से हम मेवाड़ की काल अमरता को स्पष्ट करना चाहते हैं। मेवाड़ के कण कण में शहीद सोया है और जर्रे जर्रे में त्याग बलिदान भक्ति शौर्य समाया है। यहाँ का पत्थर पत्थर इतिहास है, सभी को रूपायित करना यहाँ संभव नहीं था। मेवाड़ की विलक्षण अस्मिता को प्रतिष्ठित करना ही इस परिदृश्य का मुख्य उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास आपकी आत्मा को आनंदित करेगा। मेवाड़ किसी भी युग में अब प्रण अपना कभी न हारेगा। तुमने सत्य ही कहा है बापा, मैं अपनी अंतर्दृष्टि से मेवाड़ का भविष्य स्पष्ट देख रहा हूं। सूर्यवंशी मान का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। वत्स बापा, तू कभी मेवाड़ की चिंता न करना, आंधियों में ये दिया अब अनवरत जलता रहेगा। महामनीष गुरुवर, आदि नरेश बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य के गुरु के आदेशानुसार प्रथम राजधानी की स्थापना की एवं उनकी संतानों ने सैकड़ों वर्षों तक मेवाड़ का निर्विघ्न शासन संचालन किया। पर विदेशी जबर हमलावरों के टूटा, ये समय था बावन जौहर व्रत के संकल्प का, रानी पद्मिनी के अग्नि आचमन का, और मेवाड़ एक लिंग दीवान रावल रत्न सिंह के प्राणोत्सर्ग का। ओ मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे मेवाड़, मुझे अफसोस है, मैं और मेरे शेष बचे साथी योद्धा प्राण देकर भी तुझे आतताइयों से बचा नहीं पाएंगे। कौन? रानी पद्मिनी? हमारे अब सोचना क्या है? जो दुश्मन नेक दिली का है वो दुश्मन है इंसानों का, वो काफिर है नंगा करता दामन पाकीजा बहनों का। कच्चे धागे की एवज में जर्रा जर्रा नहला दूंगा, जो मजहब का कौमी दुश्मन उसको दोजख पहुंचा दूंगा। हमला होगा, बढ़ चलो अभी इस्लामी खून बहा कर दो, रख लो सब प्राण हथेली पर तारीखों में जौहर भर दो। तो हमने अपना पूरा दिन सिटी पैलेस में स्पेंड किया और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के कारण मैं आपको पूरा लाइट शो नहीं दिखा सकता, पर आप पूरा दिन सिटी पैलेस में स्पेंड कर सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। कितने का टिकट है भैया? 15 रुपए एक जने का और 10 रुपए पार्किंग, 40 रुपए। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं बड़ी लेक, जो कि उदयपुर से 12 किलोमीटर आउटर में पड़ता है, और ये आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है जो कि महाराणा राज सिंह ने बनाई थी 1652 में। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हुई थी, तो यहाँ पे लोग इसलिए भी आते हैं। और ये बहुत अच्छी जगह है रिलैक्स करने के लिए और साइट सीइंग करने के लिए। Thank you.
तो दो दिन में हमने बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी ऐसे नहीं करी, हमसे नॉर्मली जो भी हम एक्सप्लोर कर पाए हमने वही किया। और इसके अलावा आप मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो आप थक भी जाएंगे, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो आराम से दो दिन में दो तीन चीज़ें आप एक्सप्लोर करिए और आराम से उदयपुर का मज़ा लीजिए। अगर आप एक्सटेंड करके घूमना चाहते हैं तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उदयपुर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारा होटल है जो हमने बुक किया था, बिकॉज हमें और कहीं पे बुकिंग नहीं मिली थी, बिकॉज सब कुछ ओवर बुक था। तो ये इट वाज अ डिसेंट प्लेस, आप बुक कर सकते हैं, और बहुत सही रेट पे हमें मिल गया था, हमें 2500 में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी एक्चुअली। और ये जो आप देख रहे हैं ये लॉर्ड शिवा का मूर्ति है, उदयपुर से 40 किलोमीटर बाहर जब जाते हैं आप तो तब आपको देखने को मिलती है, और एक टॉलेस्ट स्टैचू होने वाला है शिवा का। इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।